हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिटिकल स्टडी में। आज है 6 मई 2023 और 6 मई 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे व उनसे रिलेटेड फैक्ट के बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 4 मई, यानी ई ऑप्शन राइट होगा, ठीक है ना। दुनिया भर में अग्निशामकों के बलिदान और बहादुरी का सम्मान करने के लिए हर साल 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया जाता है। यह दिन 1999 यानी 1999 में 5 ऑस्ट्रेलियाई अग्निशामकों के दुखद नुकसान के बाद स्थापित किया गया था, जिन्होंने जंगल की आग से जूझते हुए ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवा दी थी। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस एक वैश्विक कार्यक्रम है जो हर जगह अग्निशामकों के साहस, शक्ति और निस्वार्थता को पहचानना और उनका सम्मान करता है। यह दिन हमारे समुदाय के लिए अग्निशामकों द्वारा किए गए अमूल्य योगदान और आग के खतरों से जीवन और संपत्ति की रक्षा करने की उनकी अटूट प्रतिबद्धता को याद दिलाता है। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस एक मार्मिक अवसर है जो अग्निशामकों के असाधारण साहस और बलिदान को उजागर करता है, जिन्होंने खुद को आग और अन्य संकटों से बचाने के लिए खुद को नुकसान के रास्ते में डाल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है मई 2023 में बिजनेस और ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट्स रिसोर्स सेंटर द्वारा मानव अधिकारों और श्रम कार्यकर्ताओं के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक स्थानों के बारे में एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी राइट होगा, ब्राज़ील, ठीक है ना। ये है मैप में ब्राज़ील, ठीक है ना। बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स रिसोर्स सेंटर द्वारा जारी एक रिपोर्ट में भारत और ब्राज़ील की मानव अधिकारों और श्रम कार्यकर्ताओं के लिए दुनिया में सबसे खतरनाक स्थानों में एक बना दिया गया है। यूके स्थित बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स रिसोर्स सेंटर एक रिपोर्ट में ब्राज़ील मानव अधिकारों और श्रम कार्यकर्ताओं के लिए खतरनाक देशों की सूची में सबसे ऊपर है। कार्यकर्ताओं के खिलाफ क्रमशः 54 और 44 हमलों के साथ भारत और मेक्सिको ब्राज़ील के बाद दूसरे नंबर पर है। खनन को सबसे खतरनाक उद्योग के रूप में पहचाना गया है, जो 165% या 30% हमलों से जुड़ा हुआ था। बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स रिसोर्स सेंटर 2015 से कार्यकर्ताओं के खिलाफ 4700 हमले दर्ज किए हैं। कब? 2015 से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है, यूनाइटेड स्टेट्स फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में दुनिया के पहले RSV वैक्सीन को मंजूरी दे दी है, जिसका उपयोग वृद्ध वयस्कों के लिए किया जाएगा। इसमें RSV में R क्या इंगित करता है? तो क्या इंगित करता है? श्वसन, ठीक है ना, क्या इंगित करता है? श्वसन। तो मई 2023 में दुनिया के पहले RSV टीके को यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा मंजूरी दी गई थी। यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर ने दुनिया के पहले RSV यानी रेस्पिरेटरी सिक्रेटरियल वायरस वैक्सीन को मंजूरी दे दी है, जो वृद्ध वयस्कों के लिए है। टीके को RSV रोगों के खिलाफ 83% प्रभावी पाया गया है और RSV के कारण होने वाले गंभीर बीमारियों के खिलाफ 94% यानी 94% से भी अधिक प्रभावी पाया गया है। RSV बच्चों में अधिक आम है, लेकिन यह बुजुर्ग आबादी को प्रभावित कर सकता है और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों में गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। US सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एवं प्रीवियंस के अनुसार RSV 65 यानी 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र वाले वयस्कों में लगभग 60,000 से 1,20,000 अस्पताल में भर्ती होते हैं और 6,000 से 10,000 मौतें होती हैं। FDA ने RSV वैक्सीन के अनुमोदन को एक संभावित जीवन जोखिम वाली बीमारी को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाधि के रूप में सहारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है, विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष बनने जा रहे अजय बंगा को किस वर्ष पद्मश्री से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है ना, तो अजय बंगा जी हैं, अजय बंगा जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 2016, सी ऑप्शन राइट होगा। मास्टर कार्ड के पूर्व CEO
विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय अमेरिकी बन गए हैं। उन्हें व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में 2016 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वह डेविड मलपास का स्थान लेंगे, जो जलवायु परिवर्तन पर अपने रुख को लेकर हो रही आलोचनाओं के बीच जल्दी ही पद छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम द्वारा सृजित विश्व के सबसे बड़े शब्दकोश का क्या नाम रखा है? तो हेमकोश रखा है। क्या? हेमकोश। असम का द्विभाषी ब्रेल शब्दकोश दुनिया का सबसे बड़ा शब्दकोश बन गया है। 123 साल पुराना हेमकोश संस्कृत वर्तनी शब्द पर आधारित असमिया भाषा का पहला व्युत्पत्ति संबंधी शब्दकोश है, जिसे श्री बरुआ के दादा हेमचंद्र बरुआ ने संकलित किया था। हेमकोश में 10,279 पन्नों में ब्रेल संस्करण में 21 खंडों में 90,640 शब्द छपे हुए हैं और इसका वजन लगभग 80.80 किलोग्राम है। सितंबर 2022 में जारी शब्दकोश की एक प्रति नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भेंट के रूप में दी गई। ठीक है ना, पहला यह हेमकोश के 14वें संस्करण के नियमित शब्दकोश का रूपांतरण है। पहला असमिया भाषा का शब्दकोश हेमकोश 19वीं सदी के अंतिम भाग में स्वर्गीय हेमचंद्र बरुआ द्वारा संकलित किया गया था और उनका निधन के बाद 4 साल बाद प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 6वां क्वेश्चन है, किस राज्य की अल्पसंख्यक कार्यों का एक नया निर्देशालय बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नागालैंड, यानी बी ऑप्शन राइट होगा। नागालैंड सरकार ने मई 2023 में अल्पसंख्यक कार्यों का एक नया निर्देशालय बनाया है। नागालैंड सरकार ने योजना और परिवर्तन विभाग के तहत अल्पसंख्यक कार्यों का एक नया निर्देशालय बनाया है। नया निर्देशालय केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्यों के मंत्रालयों के तहत अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक, आर्थिक, ढांचागत और विशेष जरूरतों को संबंधित योजनाओं को कार्यक्रम का प्रबंध करेगा। इसके अलावा अल्पसंख्यक कार्य निर्देशालय प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम मीन्स आधारित छात्रवृत्ति योजनाओं जैसी छात्रवृत्ति की योजनाओं से निपटेगा। अब बात है नागालैंड की, तो ये है मैप में नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा है नागालैंड की कैपिटल। सीएम की बात करें तो नेफ्यू रियो है यहाँ के सीएम, और गवर्नर कौन की बात करें तो ला गणेशन यहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 7वां क्वेश्चन है, मई 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और उनके मालदीव के समकक्ष किसके अपनी समुद्री सुरक्षाओं क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए सिफरू में मालदीव के तटरक्षक के लिए एक बंदरगाह की नींव रखी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मारिया दीदी, यानी बी ऑप्शन राइट होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मालदीव की उनकी समकक्ष मारिया दीदी ने अपने समुद्री सुरक्षाओं क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सिफा वरु में मालदीव के तट पर तटरक्षक के लिए एक बंदरगाह की नींव रखी है। भारत में विशेष रूप से रक्षा और सुरक्षा क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए मालदीव ने MNDF तटरक्षक हर्बल का निर्माण किया है और मरम्मत सुविधा शुरू कर दी है। यह परियोजना मालदीव में भारत की सबसे बड़ी अनुदान सहायता पहल है और इसे 3 वर्षों के भीतर 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। अपनी यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने मालदीव के रक्षा बलों का एक तेज गश्ती पोस्ट और एक अतिरिक्त लैंडिंग क्राफ्ट सौंपा है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 8वां क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने 3 मई 2022 को विशाखापट्टनम में 21,844 करोड़ रुपए विजाग टेक पार्क की आधारशिला रखी है, तो आंध्र प्रदेश की राज्यपाल कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जगदीश मुखी, यानी ए ऑप्शन राइट होगा। ठीक है ना, ए ऑप्शन राइट होगा। ये है मैप में आंध्र प्रदेश। मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने 3 मई 2022 को विशाखापट्टनम में 21,844 करोड़ रुपए की लागत से विजाग टेक की पार्क की आधारशिला रखी। विजाग टेक पार्क 21,844 करोड़ रुपए की एक परियोजना है, जिसे अडानी समूह द्वारा विशाखापट्टनम में स्थापित किया जा रहा है। इस परियोजना में मधुरवाड़ा में 200 मेगावाट की एकीकृत डाटा सेंटर, प्रौद्योगिकी और बिजनेस पार्क का
कपूलुपा में 100 मेगावाट का एकीकृत डाटा सेंटर प्रौद्योगिकी और बिजनेस पार्क की स्थापना शामिल की है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9वां क्वेश्चन है, भारत और मिस्र के बीच कार्यालय परामर्श का 12वां दौर किस शहर में आयोजित किया गया है, किस शहर में आयोजित किया गया है, काहिरा में, बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है ना, मिस्र के काहिरा में कल भारत मिस्र विदेश कार्यालय परामर्श 12 दौर पर का आयोजन किया गया है। मिस्र के काहिरा में भारत मिस्र विदेश कार्यालय परामर्श के 12 दौर आयोजित किए गए हैं। परामर्श की सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में सचिव कालांसुर, पासपोर्ट और वीजा और प्रवासी भारतीय मामले डॉक्टर औसाफ सईद और मिस्र के विदेश मंत्रालय मिस्र के एशियाई मामलों में सहायक विदेश मंत्री आयमक कमेल कामेल ने की है। दोनों पक्षों के आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों विचारों का आदान प्रदान किया, जिसमें जलवायु परिवर्तन, लचीली आपूर्ति श्रृंखला, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत ग्लोबल साउथ की भागीदारी शामिल है। परामर्श का अंतिम दौर 2015 में नई दिल्ली में हुआ था। अब बात है मिस्र यानी इजिप्ट, ये है मैप में इजिप्ट। इजिप्ट की राजधानी क्या है, काहिरा। प्रधानमंत्री कौन है, मुस्तफ़ा मैडबोली। मुद्रा क्या है, इजिप्टी पाउंड। राष्ट्रपति कौन है, अब्देल फतेह अल सीसी, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस व्यक्ति को विश्व बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना, मैंने बता ही दिया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए राइट होगा, अजय बंगा। ये है अजय बंगा। भारतीय मूल के अजय बंगा को विश्व बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वह मास्टर कार्ड के पूर्व CEO और अध्यक्ष के रूप में 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। उन्होंने फरवरी 2023 के अंत में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन द्वारा इस पद के लिए नामित किया गया था और वे विश्व बैंक के डेविड मलपास को प्रतिस्थापित करने के लिए एकमात्र दावेदार थे। पहले वह मास्टर कार्ड के अध्यक्ष और CEO थे। उन्हें 2012 में विदेश नीति संघ पदक, 2016 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है ना, आशा करता हूँ कि आज की यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों को शेयर करें जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको इस वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगी। हमारे इंस्टाग्राम पेज क्रिटिकल स्टडी व हमारे यूट्यूब चैनल क्रिटिकल स्टडी को ज़रूर फॉलो कीजिए डेली करेंट अफेयर्स वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।